बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के दौरान आउटसोर्सिंग से चयनित स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत कर्मियों को निकाले जाने पर शनिवार को चयनित नर्स और वार्ड बॉय ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और पुनः ड्यूटी पर वापस लिए जाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नर्स अमृता याकूब ने कहा, अमृता, ये हम लोगों ने डीएम सर को और मजिस्ट्रेट सर को ज्ञापन दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्सेज हैं हम लोग और वार्ड बॉयज़ भी हैं इसमें। हम लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया था, पहले तो एक बार 2020 अगस्त में कराया गया, जिसमें 2021 फरवरी में निकाल दिया गया बोलकर कि 6 महीने का था। फिर अप्रैल में ज्वाइन कराया गया ये बोलकर कि आप लोगों को रखा जा रहा है, अभी समय निश्चित नहीं है कब तक रखा जाएगा। 30 जून को उसमें से भी हम लोगों को निकाल दिया गया, बोला गया कि अब आप लोगों का कार्य यहीं पर ख़त्म हो रहा है, अब हमें ज़रूरत नहीं है इस टाइम। जबकि हम लोगों ने पता किया और हमारे पास शासन आदेश भी है इस चीज़ का कि निकालने का कोई आदेश नहीं आया है। शासन आदेश में सीधे सीधे लिखा है कि अगस्त से बढ़ाकर 2021 अगस्त से बढ़ाकर सितंबर 30, 2021 तक कर दिया जाए। और बाकी जो भी यूपी के सारे ज़िले हैं, हर ज़िलों में अभी तक उन स्टाफ नर्सों को जिनको भी नियुक्त किया गया था उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया है। सिर्फ ये गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जो हमारे प्रिंसिपल हैं गणेश कुमार जी, उन्होंने ही हम लोगों को बैठा दिया। रेलवे में जो भर्ती हुई थी उसमें भी सबको जो है जैम पोर्टल के थ्रू कर दिया गया। जो जो कोविड के तहत भर्तियाँ ली गई थी सबको जैम पोर्टल के थ्रू कर दिया गया। सिर्फ हम 150-200 स्टाफों को निकाल दिया गया है और हम लोगों को बस यही डिमांड है कि हमें भी जैम पोर्टल के थ्रू वापस से रीजॉइनिंग कराया जाए। जब सबको रखा गया है तो आखिर सिर्फ हम कुछ लोगों को क्यों हटाया गया, और वो भी धोखा दिया गया है, झूठ बोला गया है कि सिर्फ आप लोगों को जून तक ही था। और अब हमारे प्रिंसिपल महोदय जो है उनके पास दोबारा गए 2-3 दिन पहले, अब उनका कहना है कि मुझे लिखित में या तो डीएम सर या तो मजिस्ट्रेट और कमिश्नर सर, ये लोग मुझे लिखित देंगे तभी मैं आप लोगों को रखूँगा। उन्हें लिखित चाहिए।